अभी जब राम मंदिर बनाने की बात आई तो राम मंदिर के लिए मस्जिद को तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस मस्जिद को तोड़ा गया। हम उस पर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम अपनी न्यायपालिका के साथ हैं, लेकिन हम इतनी बात कहना चाहते हैं कि अगर मंदिर बनाने के वक्त में अगर जो मंदिर तोड़ा गया था उस जगह पर अगर मंदिर नहीं बनाया गया और अगर वो 2-3 किलोमीटर दूर जाके अगर मंदिर को बनाया गया तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि उस मस्जिद को वहीं बना दिया जाए, उस मस्जिद को वहाँ बना दिया जाए जो हमारे देश की जो एक संस्कृति है, जो स्वरूप है, जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारा गुलदस्ता है जिसमें लाल रंग का फूल, पीले रंग का फूल, हर तरह का फूल बनता है, तब हमारा जो है देश बनता है, तब ये हिंदुस्तान नाम बनता है, तब ये इंडिया नाम बनता है। या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हर प्रधान के, हर 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 धर्म के, हर हर भाषा के लोग यहाँ पर हैं। तो हमारे जो अगर मुस्लिम भाइयों का अगर कोई दिल टूटा हो या उनको ठेस पहुँची हो कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है, तो मैं इसको कहना चाहूँगा, हमारी सरकारों को कहना चाहूँगा कि इस मंदिर को दोबारा बनाया जाए और हम सबसे पहले हम लोग पहल करेंगे, भीम भी खालसा की तरफ से पहल करेंगे, मैं DS बिंद्रा सबसे आगे चलूँगा और सबसे पहले वहाँ पर जो है एक ईंट रखने की वहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे और हम लोग गुरु नानक देव जी अपने वाहेगुरु जी से अरदास करेंगे कि वहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद को जल्द से जल्द बनवाया जाए और हमें इतनी ताकत दे, हमें जो है ऊपर वाले की इतनी ताकत मिले कि हम उस मस्जिद को जल्द से जल्द निर्माण कर सकें। सरकार जी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी गई है, ठीक है, जिस प्रकार से मंदिर को जमीन दी गई उसी प्रकार से मस्जिद को जमीन दी गई है, तो ये तो मुस्लिम पक्ष का फैसला है कि उसमें मस्जिद बनाएंगे, कब बनाएंगे, पैसा फंड कहां से लाएंगे, इसमें आपको कूदने की क्या जरूरत है? क्यों, तो सिख क्या इस देश के नागरिक नहीं है क्या? सिख क्या हमारे भाई, मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या, या हिंदू हमारे भाई नहीं है क्या, या हिंदू आपके पास मदद मांगने के लिए आए, उन्होंने कहा कि आप हमारी बाबरी मस्जिद को बनवाइए? देखिए, ये हमारी धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है, ये हमारी देश की धरोहर है, ये अगर मस्जिद अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करें, हमारी देश की धरोहर है, हमारी देश की पहचान थी बाबरी मस्जिद, अगर इसको तोड़ा गया तो हम सिख लोग हम लोग मध्यस्थता कर रहे हैं ना, हम लोग हिंदू और मुसलमान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, सिख लोग क्या दिक्कत है उसमें? अगर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाएगी, बौद्ध कह रहे बुद्ध घाट को तोड़ करके वहां पर मंदिर बनाया गया, हम लोग किसी को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम लोग तोड़ने की बात नहीं, हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, जगह खाली पड़ी है तो वहाँ मस्जिद बना दी जाए, बाबरी मस्जिद बना दी जाए, मस्जिद के लिए तो फिर उसी जगह पर आप क्यों अटके हुए, जो जमीन दी गई वहाँ बनाइए आप लोग। हम लोग इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि यहाँ पे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे राम मंदिर के लिए, श्री राम जी के लिए भावना जुड़ी थी हिंदू राष्ट्र के, अगर वहाँ पे मस्जिद को तोड़ना पड़ा, एक एक बात होती है, एक एक समाज की बात होती है, एक समाज को अगर एंटरटेन करने के लिए अगर किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने अगर मंदिर को तोड़ा, मंदिर को बनाने के लिए मस्जिद को तोड़ा, तो हम चाहते कि उस मस्जिद को वहीं बना दिया जाए जहां वो बनी हुई थी, अगर वहां मंदिर बन जाता तो हम ये बात कभी भी अपने जुबान से नहीं निकालते, कतई हम इस बात को नहीं निकालते, लेकिन अगर मंदिर वहां बना नहीं है तो मस्जिद वहां बना देनी चाहिए, इतनी जितनी आस्था हिंदुओं की राम मंदिर में है उतनी आस्था जो है मुसलमानों की बाबरी मस्जिद में है। आप किस आधार पर कह सकते हो उस जगह पर मंदिर नहीं बना जिस जगह पर मस्जिद? तो आप बता दीजिए, वहां सरयू नदी है, नीचे नदी है, नीचे पानी बह रहा है, नीचे बालू है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं हो पाया, आप बता दीजिए, अगर वहां नहीं बना तो आप बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप तो हमसे बेहतर जानते हैं, अगर हमारे में कोई अगर हो सकता है कि हमारी अगर नॉलेज में कोई कमी है तो आप उसको क्लियर कर दीजिए। मंदिर जो है वो 2.5-3 किलोमीटर दूर जाके बनाना पड़ा क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पा रहा था, वहां पर काफी लोगों ने वहां पर कोशिश की, काफी आर्किटेक्ट आए, बहुत लोग आए, वहां पर स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो पा रहा था क्योंकि बहुत भव्य मंदिर बनाना था, बहुत विशाल मंदिर बनाना था, कोई छोटा मोटा वहां पर मंदिर नहीं बनना था। मस्जिद तो अल्लाह ताला के ऊपर वाहिगुरु की आस्था से चिकी हुई थी, वो जो आस्था थी, अगर मैं बात करूं कि वहाँ पर मंदिर भी नहीं बन पाया, वो सालों साल की आस्था थी, वहाँ सालों साल के लोगों की आस्था थी, हर मुसलमान भाई के घर से दुआ थी, हर मुसलमान के घर से दुआ थी कि मस्जिद को ना तोड़ा जाए, मस्जिद को ना तोड़ा जाए, शायद हो सकता है कि किसकी दुआ कबूल हो गई हो, वहाँ मस्जिद तोड़ भी दी गई लेकिन वहाँ पर मंदिर नहीं बन पाया, हो सकता है वहाँ पर कोई हम लोग जैसे बात करते हैं कोई वहाँ पर हो सकता है कि कोई दैवीय शक्ति वहाँ पर हो जिसने उस मंदिर को ना वहाँ टिकने दिया हो, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ वहाँ मस्जिद बना दिया। जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई, बौद्धों ने भी अपना दावा ठोका है कि मस्जिद से पहले वहां पर बौद्ध अवशेष मिले क्योंकि खुदाई में जो वहां पर म्यूजियम में बौद्ध अवशेष रखे गए हैं वो मस्जिद के नीचे से ही निकले हैं। अब इस मामले में आपके बराबर स्वामी जी हैं, स्वामी जी कल को आप कहेंगे कि हम मस्जिद की एक ही जगह बौद्ध स्तूप बनाएंगे, वहां पे बुद्ध विहार बनाएंगे, तो फिर आस्था भी कहां जाएगी? सी, सिंस 20 years I am being looking at this all the reports and frequently coming to Delhi and have gone to Ayodhya. Now our good friend is asking, have you been to Ayodhya? Yes, after the dismantling of Masjid I went there, I have seen the place. While Mandir getting under construction,
वी हैव बीन फूल्ड, बीइंग ए हिंदू आई एम टेलिंग, वी हैव बीन फूल्ड. दे केप्ट अ स्मॉल टेम्पल देयर एंड दे केप्ट ऑल द कवर्ड दैट ओल्ड एरिया. दे सेड मंदिर टेम्पल इज अंडर कंस्ट्रक्शन, नोबडी कैन गो. दैट टाइम ऑल्सो आई विजिटेड रामलला. एंड आफ्टर वेन दे डिक्लेयर्ड दैट 10% is over, now we are going to inaugurate it. That time also I went there with lot of good friends, with lot of good, because see, you know that when the Babri Masjid dismantling happened, that time lot of South Indians has come from Andhra, from Karnataka, Tamil Nadu. I am from that community where after this dismantling of the Ram Mandir, we want to separate from Hinduism. You might have heard Lingayatism, Lingayata. We are very much angry now because I am being cheated. You have dismantled a masjid, but you have not constructed a temple there. And now I have entire proof, not only the area of position, and I have personally went there, and I have some reports also with me. When we discuss in depth, I will show you. We have already submitted to Rashtrapati. And we are waiting from the President of India to comment on that. When you people have dismantled a masjid and not constructed temple there, and now you are telling we have given you five other acre jamin, you go and construct there, then why you have dismantled? आपको इतना ताकत है तो उधर ही मस्जिद बना के दीजिए. क्योंकि मैं हिंदू होने के नाते, सत्य सनातनी होने के नाते, और बीइंग ए लिंगायत, आवर ऑल लॉर्ड बसवेश्वरा टिल अंबेडकर, वी आर ऑल विथ ऑल पीपल लाइक ब्राह्मिन्स, वैश्यास, क्षत्रियास एंड दलित्स. इन साउथ इंडिया वी डोंट हैव एनी सेपरेटिज्म. एवरीबडी इज एजुकेटेड एंड वी नो वेयर इज व्हाट एंड वी नो अबाउट द जीन्स. स्वामी जी जो बात आप कह रहे हैं, आप जिस देश में हैं, आपका काम है देश में शांति बनाए रखना, लोगों को शांति का सबक सिखाना, लोगों को शांति के पथ पर चलने की बात करना. लेकिन आप जिस प्रकार से कह रहे हैं मस्जिद मंदिर इस मंदिर में पढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता आप लोगों को कहीं ना कहीं उकसाने का काम? डेफिनेटली वी आर नॉट डिसमेंटलिंग द पीस ऑफ इट. इट विल बी पीस फॉर कमिंग नेक्स्ट जनरेशंस. आने वाले जनरेशंस के लिए यह पहल बहुत अच्छा होगा. और डेफिनेटली टेक्निकली हम विश्वगुरु बने या ना बने, मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए. आपका ही बात है तो फिर ये पूरा बात नहीं आएगी. पहले ये बात कंप्लीट होने दीजिए. हम लोग जो बोल रहे हैं ये विश्व शांति के लिए बहुत अच्छी पहल है. पहले जो टूटा है उधर आप नहीं बनाए हैं, उसका आंसर दे. मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या नाम है, काशी मथुरा बाकी है अभी. आपका देखिए, अगर हम लोग ऐसे ही झगड़ा करते हैं तो काशी मथुरा क्या, और कोई को बहुत कुछ हो जाएगा. बी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी. लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, एक्चुअली देर इज नॉट डेमोक्रेसी. एक्चुअली नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, व्हेन वी द रिपोर्ट हैज कम दैट देयर वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ए टेम्पल. मैं 1985 बैच IITian हूँ, और हमारा IITians दिल्ली IITians एंड मुंबई IITians, उन सबका रिपोर्ट मेरे पास है. हाउ द मस्जिद वॉज देयर गॉड ओनली नोज, बट नाउ यू कैनॉट कंस्ट्रक्ट इन दैट प्लेस. बट नाउ वाई वी आर टेलिंग, एटलीस्ट कंस्ट्रक्ट समथिंग देयर, ए स्मॉल वन, एंड गिफ्ट टू द मुस्लिम फ्रेंडशिप. देन एटलीस्ट इन द वर्ल्ड ग्लोबल फ्रेटर्निटी विल अप्रिशिएट अस. एंड नाउ यू आर आस्किंग अबाउट द हिंदू कंट्री. It cannot become Hindu country. Because, see, first of all, Hindu, there is no meaning at all. We are Satya Sanatanis. Who coined Hindu name, we don't know. But I have read all four Vedas, at least 13 Upaveda, 4 Upavedas and 13 Upanishads. Mere ko kahin Hindu shabd ka meaning nahi mila. Shabd hi nahi mila. Just now you said that you are Hindu. Just now. I am telling because you have to understand me. For your understanding, I am telling, my dear brother, don't fight with me. Hello. You asked me question. Let me finish it. Yes. Satya Sanatan, I am using Satya Sanatan. I am using Lingayatism. For your understanding, I have to use Hinduism because it is being registered. How it is registered, nobody is questioning. But I have not found any meaning.
If you understand that, I will be very glad. But there is no meaning for Hinduism. And this country cannot become a Hindu country because I am, if at all you put a name, either I will first put as a Satya Sanatani or Lingayata, not Hindu. Like that, more than 50 crores will talk to you. पाजी एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि आपके साथ में एक सनातनी साधु बैठे हैं और आचा पंथ को मानने वाले सरदार जी बैठे लिंगराज जी बैठे हैं, आप मुस्लिम कमेटी से आते हैं, आपको भी लगता है कि जो आप इनकी बात का समर्थन करते हैं, पहला सवाल तो क्या आप इनकी बात का समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल समर्थन करता हूँ, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि आज हमारा देश वही खूबसूरत देश है, वही खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ खड़े हैं। तो हमें इसी पर इसी चीज़ को देखते हुए हमने आज सामने आए हैं कि हमें अपनी बाबरी मस्जिद बनानी है। मैं मुगल वंशक आरजे पाशा मुंबई से, और मैं इसकी शुरुआत कश्मीर से ईंट लेने की शुरू करूंगा और पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी तक अपनी मस्जिद के लिए ईंट मांगूंगा। आप कह रहे हैं मस्जिद के लिए ईंट मांगेंगे, तो ये जो आपके संगठन है, जो आपके जो मुसलमानों के संगठन है, वो काम बेहतर कर सकते हैं, वो उसको बेहतर काम कर सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, जैसे हिंदुओं ने मंदिर बनाया, सरकार ने तो नहीं बनाया ना, हिंदू संगठनों ने बनाया, तो आपके संगठन में मस्जिद बना ले, तो वो जमीन आपको 5 एकड़ दी गई वहाँ पे क्या नहीं। जब वो हमें बरसों से जो है हमें भ्रमित किया गया कि मंदिर मस्जिद तोड़नी है, मंदिर बनाना है, आपने वहाँ पर मस्जिद को तोड़ा, मंदिर बनाया, चलिए ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मगर आपने मंदिर दूर बनाया, तो अब हमें अपनी जगह पर मस्जिद बनाने दी जाए। तो आपको ये लगता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी वहाँ पर मस्जिद मंदिर नहीं बनाया गया? नहीं, वहाँ पर नहीं बनाया गया, वहाँ से उस जगह को कैसे क्लेम करेंगे आप? हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास एविडेंस है। तो जो कोर्ट में केस चल रहा था और जब कोर्ट ने जमीन वो मतलब वहाँ से कहीं और दिए, तब आपके पास प्रूफ नहीं थे, एविडेंस नहीं थे? जी मैं माफ़ी चाहूँगा मैडम। देखिए, हम यहाँ पर मस्जिद की बात कर रहे हैं, हम लोग टेक्निकल बातों के ऊपर यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ये काम जो है सरकारों का काम है कि वहाँ पर मस्जिद थी कि मंदिर था। आज की डेट में जहाँ मस्जिद तोड़ी गई है वहाँ मंदिर नहीं बनाया गया है। अगर बनाया तो आप प्रूफ कीजिए, सरकारें प्रूफ करें, और अगर मंदिर वहाँ नहीं बनाया गया तो वहाँ पर मस्जिद बना दी जाए। सवाल कुछ और है, आपने ये कहा, नहीं मैं आप ही से बात कर रही हूँ, आपने कहा था कि हम मस्जिद बनाएंगे, बात वही है कि जब आप वहीं पर बनाएंगे मस्जिद तो कैसे बनाएंगे? मैडम देखिए, मस्जिद तो पहले भी वहाँ पर थी, बाबरी मस्जिद वहाँ आज से नहीं थी, कई सालों से थी। हम बनाने वाले, हमारी हैसियत नहीं कि हम वहाँ पे मस्जिद को बनाएं, हमारी औकात नहीं है। हम लोग सिख, ठीक है, हम लोग सिख है, खालसा पंथ से हैं, हम लोग बहुत बहुत बलिदानी बलिदान दे चुके हैं, हमारी औकात नहीं है। मस्जिद थी, इसको इतिहास को बदला गया, उसको तोड़ा गया, वहाँ मंदिर बनाया गया, लेकिन मंदिर वहाँ नहीं बना। जब मंदिर वहाँ नहीं बना तो हम कहते हैं कि वहाँ मस्जिद बना दी जाए। अगर गलती की गई है, एक बड़े बच्चे से, अगर एक बड़ा बच्चा होता है, घर में दो बच्चे होते हैं, अगर छोटा बच्चा रो रहा होता है, बड़े बच्चे से खिलौना लेके छोटे बच्चे को दे दिया जाता है कि छोटा बच्चा चुप हो जाता है। अगर बड़े भाई का अगर फ़र्ज़ अदा करते हुए अगर हम बात करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने भाइयों को मस्जिद बना के वहाँ पर दें, मस्जिद बना के दें। मैं फिर बात कहता हूँ, मस्जिद वहाँ पर थी, उसको भव्य रूप से बना के दें, उसके ऊपर सोने का गुंबद लगा के बना के दें, उसको जैसे राम मंदिर को अगर लोग देखने आए तो मस्जिद को भी देखने लोग आए, और बाहर से तमाम देश से लोग देखने आए, और एक बैलेंस करें कि इसको बैलेंस करके चलें। बिंदु साहब, देशवासियों से क्या अपील करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो काम आपने अभी हमको बताया है, जो सवालों के आपने जवाब दिए हैं, बड़े आने वाले समय में बहुत इससे भी ज्यादा सवाल आपको फेस करने पड़ेंगे, सर परमात्मा बैठे हैं सवालों को जवाब देने के लिए, परमात्मा बैठे हैं ऊपर, वाहेगुरु बैठे हैं, ईश्वर बैठे हैं हमारा, अल्लाह ताला बैठे हैं, राम जी बैठे हैं ऊपर, जो राम लल्ला, जिनको राम लल्ला जी हम बोलते हैं, वो बैठे हैं जवाब देने के लिए। हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम लोग किसी को जवाब दें। वर्तमान में जिस तरीके से फूट डालों की राजनीति चल रही है, धर्म की राजनीति चल रही है, उसमें आप मीम भीम खालसा को जो लेकर, जो कॉन्सेप्ट को लेकर रहे, उसके लिए देशवासियों से क्या अपील करेंगे? हम तो जोड़ने आए हैं, मीम भीम खालसा जोड़ने आए हैं। नाम देखिए, मीम भीम खालसा, मीम भीम खालसा, हम लोग जोड़ने की राजनीति करने आए हैं। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, हम लोग इलेक्शन भी लड़ेंगे, कैंडिडेट्स भी उतारेंगे, हम लोग ईवीएम का विरोध भी करेंगे, ईवीएम को भी तोड़ेंगे और बाबरी मस्जिद को भी बनाएंगे। हम लोग तोड़ने की बात करेंगे तो ईवीएम को तोड़ेंगे, जिसके अंदर बेईमानी होती है, हम लोग बैलेट पेपर से करेंगे, हम लोग मंदिर तोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने की बात करेंगे, हम लोग बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेंगे, हम देश को सौहार्दपूर्ण वातावरण देने की बात करेंगे, हम बच्चों को एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, हम रोजगार के ऊपर बात करेंगे, हम तोड़ने की राजनीति कभी नहीं करेंगे, हम तोड़ने के ऊपर बात कभी नहीं करेंगे। और मैं आपके माध्यम से फिर कह देना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद वहाँ थी,
है और रहेगी, उसका अस्तित्व वहाँ था, है और रहेगा, ताउम्र तक रहेगा, जब तक हम लोग जीवन रहेगा तब तक वहाँ बाबरी मस्जिद का नाम रहेगा, वहाँ अस्तित्व रहेगा और उसकी पहचान रहेगी।